जय भीम जय मूल निवासी, मैं शैला। एमएनटी न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं एमएनटी न्यूज बुलेटिन में कुछ विशेष खबरें। देश में शिक्षा आम नागरिकों की पहुंच के बाहर हो रही है। एक तो अलग अलग विश्वविद्यालय और प्राइवेट इंस्टीट्यूट में तरह तरह के कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं जिनमें समानता नहीं है, साथ ही फीस लगातार बढ़ाई जा रही है। दिल्ली में 4 तकनीकी विश्वविद्यालय और इंस्टीट्यूट में बीटेक की फीस 11,000 से 1,00,000 तक बढ़ाई गई है। दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी दिल्ली महिला तकनीकी विश्वविद्यालय, इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एवं नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, इन शिक्षा संस्थानों में बीटेक और बी आर्किटेक्चर प्रोग्राम की पढ़ाई महंगी हो गई है। पिछले वर्ष से ही सरकारी बैंक खस्ता हाल में है। सरकारी बैंकों का घाटा और बैंकों का बढ़ता एनपीए लोकसभा चुनाव में मुद्दा नहीं बना और न ही बैंकों में हुआ फर्जीवाड़ा चुनाव के वक्त चर्चा में रहा। लेकिन अब विवाद में रही पंजाब नेशनल बैंक में 3 बैंकों का विलय हो सकता है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, आंध्रा बैंक, इलाहाबाद बैंक और सिंडिकेट बैंक, इन 3 बैंकों का पीएनबी में विलय किया जा सकता है। इस विलय का नए कर्मचारी भर्ती पर भारी परिणाम हो सकता है। देश भर में लाखों की संख्या में आंगनबाड़ी कर्मचारी है। इन्हें कई कार्य सौंपे जाते हैं लेकिन उन्हें अभी तक तनख्वाह और पेंशन के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। देश भर में आंगनबाड़ी कर्मचारियों को अब सरकार की योजना के तहत 4G स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि इसके इस्तेमाल का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इस मोबाइल पर उन्हें अब उनके कार्यों का रिपोर्ट और अन्य सरकारी सर्वेक्षण का डाटा भरना होगा। बता दें कि देश भर के अनेक आंगनबाड़ी कर्मचारी संगठन सरकार के विरोध में धरना आंदोलन कर रहे हैं। राइट टू हेल्थ में अच्छा और समय पर इलाज, मुफ्त या सस्ती दवाई या आधुनिक उपकरण आते हैं, इसमें सरकार कितना ख्याल रखती है, यह एक संशोधन का विषय है। लेकिन बताया जा रहा है कि राइट टू हेल्थ लागू करने वाला छत्तीसगढ़ देश में पहला राज्य बनने जा रहा है। राज्य सरकार नागरिकों को एक हेल्थ रजिस्ट्रेशन नंबर देने जा रही है जिसमें मरीजों का सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज होगा। इस रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ मरीज को एक बुकलेट मिलेगी, इसमें मरीज से जुड़ी जानकारी होगी। सरकार की तरफ से बताया जा रहा है कि पंजीकृत व्यक्ति के लिए 16 पन्नों का हेल्थ कार्ड बनाया गया है। इसमें मरीजों की फैमिली, पास्ट और पर्सनल हिस्ट्री भी तैयार की जाएगी। इसमें मरीजों के धूम्रपान, खानपान और व्यवहार के बारे में भी जानकारी होगी। इसमें मरीजों के फॉलोअप की भी जानकारी मौजूद रहेगी। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने अब अपना पूरा सिस्टम ऑनलाइन कर दिया है। छात्र छात्राओं से लेकर सदस्यों तक को लेकर अपडेट ऑनलाइन ही मिलेगी। छात्र छात्राओं को फॉर्म भरना हो या इंस्टीट्यूट में किसी सदस्य को सदस्यता लेनी हो, सभी कार्य ऑनलाइन ही होगा। आंकड़ों के अनुसार देश भर में 2,80,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट है और अनुमानित तौर पर प्रत्येक वर्ष 10 से 12,000 सीए तैयार होते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता और महाराष्ट्र राज्य के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख ने महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े पर निजी कोचिंग क्लासेस के मालिकों से आर्थिक लेनदेन का आरोप लगाया है। पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते वक्त उन्होंने यह आरोप लगाया और कहा कि राज्य में निजी कोचिंग क्लासेस पर नियंत्रण के लिए विधेयक का मसौदा पिछले 1.5 साल से तैयार है, लेकिन कोचिंग क्लासेस के मालिकों के दबाव के कारण तावड़े इसे मंजूर नहीं होने दे रहे हैं। राज्य में लगभग 1,00,000 से अधिक कोचिंग क्लासेस चलाए जाते हैं, इनमें से 40,000 के करीब कोचिंग क्लासेस मुंबई में है। देश में लाखों शिक्षित युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। हरियाणा में विभिन्न पदों की 19 कैटेगरी की परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है, लेकिन आवेदनकर्ताओं में इसको लेकर नाराजगी फैली है क्योंकि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से सामान्य योग्यता वाले पदों की परीक्षा टकरा रही है। कई पदों की परीक्षाएं एक ही दिन, एक ही समय या अलग अलग शिफ्टों में हो रही है। इससे विभिन्न पदों के लिए आवेदन करने वाले युवाओं को किसी एक ही परीक्षा को देना संभव होगा। एमएनटी न्यूज बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। मूल निवासी बहुजनों से जुड़ी अन्य खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एमएनटी न्यूज नेटवर्क को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। जय भीम, जय मूल निवासी।